अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपने आज यहाँ बैठक ली है, किन विषयों पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी? हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पे हमने रेवन्यू विभाग में जो आप चर्चा करते हैं उसका पूरे मध्य प्रदेश में महाअभियान चला रहे हैं जी 45 दिन का। तो ये कहा कि समय अवधि में काम होना चाहिए, जो नियम कानून बनाया है 30 दिन में नामांतरण होना है तो होना है, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे पारिवारिक नामांतरण हो, चाहे हक त्याग का नामांतरण हो, चाहे फौती नामांतरण हो, या हमारी दान की हुई जमीन का नामांतरण हो, 30 दिन के अंदर अगर हमारे बाद में अगर माप पकड़ लिया तो अपने आप को वो तहसीलदार नहीं समझेगा। तो अभी तो हो नहीं पा रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्यों? अभी देखा ना, 87-88% नामांतरण हो गए, कोई भी 2-4-5-10% अगर मान लो 7-12% बचे हैं जी, तो तत्कालीन समय अवधि के अंदर यहाँ कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। मंत्री जी, ग्वालियर में आपने कहा था कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, रजिस्ट्रेशन आमंत्रण की प्रोसेस में ही आमजन परेशान रहता है और भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। मैंने सबको कहा है कि 4 तरह के बंटवारे आप भी करते हैं, नामांतरण करते हैं, मेरे हाथ में भी नामांतरण है, उनको बताया तहसीलदारों के नामांतरण का मतलब होता है क्या, नामांतरण करना देवास से बालाघाट, देवास से छिंदवाड़ा, इंदौर से हमारा बालाघाट, ये सब नामांतरण हमारा हाथ में। मंत्री जी, पटवारियों को लेकर भी आमजन परेशान रहते हैं, सालों से जमे हुए पटवारी हैं, उनकी शिकायतें आती रहती हैं। गांव का किसान हूं, मैंने पटवारी के पाला पड़ा हूं, तहसीलदारों को भी देखा है, सारे अधिकारियों के बीच में, इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 45 दिन दे रहे हैं आपको, 45 दिन में सब ठीक, अपना सोच बदल लो, अपने दिमाग में परिवर्तन कर लो। मैंने भी इनसे कहा है ना, मैं किसी की चाय पीऊंगा ना आपको पीने दूंगा, ये माना जाएगी बिना रिपोर्ट के नामांतरण होगा, जो आएगा कानून दायरे में उसे मैं नौकरी लायक नहीं छोड़ूंगा अगर काम नहीं किया। मतलब अभी आपने अंदाज लगा लिया कि अभी एक तहसीलदार का ट्रांसफर किया मेरे यहाँ, घूमता फिरता चला गया बंगले पे, तो मैंने इंदौर पोस्टिंग कर दी, मेरे यहाँ मिठाई लेके आ गया, इसी में वो बाहर हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा मिठाई लाने के ऊपर, इतने सख्त है। और हमें उनसे कहते हैं कि मेरे परिवार सदस्य मुझे देखो, मैं भी आपका परिवार सदस्य, मैं भी मनुष्य हूँ, ऐसा काम करें जो इतिहास में लोग याद करें, जैसा नरेंद्र मोदी साहब को लोग लोकप्रियता है, मतलब लोग उनसे श्रद्धा भी रखते हैं, हम सब लोग पूरे देश के। कोई ऐसी कार्य योजना आपने बनाई है कि बिना रिश्वत के, बिना पटवारी रिश्वत लिए नामांतरण हो जाए? आप मुझे बताइए, आप सबसे बड़ा कानून मैंने बनाया, आपको आप नाराज जी की तरह काम करते हैं, 30 दिन में कोई नामांतरण ना करे, मुझे बताइए उस पर कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा कानून यही मैंने बनाया, कोई भी किसान कहीं भी हो, कहीं मुझे टेलीफोन कर, मैं ऐसा मंत्री हूँ कि कभी मुझे कोई भी कभी भी टेलीफोन करता, अगर समय के बाद टेलीफोन किया तो सुबह सबसे पहले मैं उठकर उनके मिस कॉल देखता हूँ, पूछता हूँ उनसे, और उसके तत्काल जांच कराता हूँ। पूरा प्रयास करें कि हम मध्य प्रदेश को बहुत सुंदर मध्य प्रदेश बनाए, जैसे मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव।